ब्रेकिंग न्यूज, रांची से टाटा जाने वाली NH-33 रोड के सामने जो उरमाल मोड़ है, इंचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत जो उरमाल मोड़ आता है वहीं पे जो टिप ट्वेलर जो होटल को एक बूढ़ा आदमी जो होटल चलाता है वही होटल को मतलब जो रात के अंधेरे में गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने ठोंक दिया और पूरा होटल को पूरा तहस नहस कर दिया। वीडियो में जो दिख रहा है पूरा होटल है इनका, होटल में जो ऊपर में जो इन्वेस्टर था वो भी पूरा टूट गया है और देखिए वीडियो पूरा एकदम इसका दीवार पूरा टूट गया है, घर के अंदर तक पूरा गाड़ी चला गया है और गाड़ी वाला थाना वाला को पूरा दबाव दे रहा है कि इतना में मतलब 10,000 लो, 20,000 लो, इस तरह का मतलब बात बोला जा रहा है। लेकिन जो इसका घर का है लगभग नुकसान हमको लग रहा है 70,000 से 80,000 रुपया लगभग मतलब डैमेज हो गया और वही 70,000 से 80,000 रुपया मुआवजा के रूप में मांग रही है। आपका गाड़ी है, आप गाड़ी से कमा रहे हैं। आज जो इनका होटल अभी जो 2-3 दिन जो बंद हो गया, बंद मेला भी है, अभी मेला का समय, अभी जो पैसा कमाए और आप कमा रहे हैं आपका गाड़ी से, तो भाई ये कहे अब उतना सहे कि अपना घर तोड़वा के। नहीं तो गलती से हुआ है ऐसा बात नहीं उसके बाद भी हमको दवा मिला थाना से नहीं नहीं वो कल हम थाना का बड़ा बाबू से बात कर लिए, 10-20,000 में घर बनता है। इससे हमको ज्यादा तकलीफ हुआ कि हम लोग एक महिला होकर इस मकान को खड़ा किया जमीन बेच के और वो बर्बाद हुआ। उसके बाद ये बूढ़ा आदमी मेरा कहाँ जाएंगे, ये मेरे पापा, इसका आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। अब बोलिए आप लोग इंसानियत के नाते तो हमको थाना में 10-20,000 में घर बनता है, ले जाएंगे सरकारी ले जाएंगे आगे गाड़ी घर वैसा बन जाएगा, इसमें तो हम लोग भी बोले हैं बना हमको ये गिरी ना जाओ गिरी ने कोनो लेक्चर नहीं दी। दबाव हमको बहुत ज्यादा पड़ा सर, इसे हमको बहुत तकलीफ हुआ कि हम लोग ऐसा मतलब गलती भी नहीं किया, प्लस हमको सजा क्यों मिलेगा सर। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या इंसान है। आप लोगों का नसीब भी तेज था कि यहाँ कोई आदमी भी नहीं, ये मेरा पापा है यही सोते हैं दुकान। मान लीजिए कोई आदमी का कुछ अगर नुकसान हो जाता है तब कैसे भरपाई होता है। आप लोग तो सीधा बोल दीजिए केस कर दीजिए, हम लोग इंसुरेंस ले लेंगे। गरीब आदमी चौका जाने के इसके पास भाड़ा नहीं है, ये कहाँ से जाएंगे आप बताइए। अपना इंसानियत का नाते जो बनता है इनका दे दीजिए, हम अपना गाड़ी देकर चल रही है। वो तो वही बात हुआ है कल, वही मैंने मुखिया साहब भी थे दबाव, कोई चीज का दबाव नहीं है। दबाव अगर हम लोग देते ना, और हम लोकल आदमी हैं, हम भी बाहर के नहीं, हम तमाम है मेरा घर, हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा दबाव होता ना तो अभी तक केस करके गाड़ी को ले जाता, लेकिन ऑनर का कोई दबाव नहीं। नहीं देखिए পুরা আমরা মায়া চালি বিলটাকে বার করে আর রাখে মানে তোমরা গ্রামের গিলে সবাই বাইরা বুঝলে না। আজ হতে পারে এদের সঙ্গে এই ঘটনাটা হয়েছে, কাল তোমাদের সঙ্গে হবে। যদি এক হয়ে থাকো না তো কোন থানা কোন পুলিশ কেউ নাই কোন নেতা মন্ত্রী তোমরা কে এক হয়ে টাড়া দেও। দেখিয়ে স্যার আমি এক গাড়ি করে দিয়ে দিয়ে কিছু না হয় নাই উড়ে দিন কিছু জায়গা মারে টাটা উড়িয়ে দিয়ে গাড়ি মার দিয়া জবরদস্তি উড়ে টায়ার উড়ে রোড পে চিনা করে মেরে মা দেখ কর গই রোড পে জবরদস্তি বডি লেকে চলা গিয়া। আপ বতাইয়ে অন্যায় হ্যায় কি নাই, हमको क्या मिला, हमको एक नल का भी पानी का भी व्यवस्था यहाँ नहीं दिया गया सरकार तरफ से। आप बताइए हमको एक इतना मेरा तरफ से आदमी डेड कर रहा है रोड में, हमको एक नल का भी पानी का भी व्यवस्था यहाँ नहीं दिया गया सरकार तरफ से। आप बताइए তখন নাই হবে যতক্ষণ MBI ওটাকে রিপোর্ট নাই বনা। হ্যাঁ MBI রিপোর্ট বনাতে গেলে গাড়িতে কম সে কম আপনার কাছে 50,000 টাকা লিবে। বালি গাড়ি গেলে এমনি ঢুকা।